नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है वो कुछ कंपटीशन से रिलेटेड है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड J&K गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया। हर साल की तरह इस साल भी जैसे हम अपना 78th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं तो अक्रॉस इंडिया में, और J&K UT गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की तरफ से तीन प्रकार के कंपटीशंस रखे गए हैं। पहला कंपटीशन जो है वो नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन है, दूसरा जो है वो एस्से राइटिंग कंपटीशन है, और तीसरा जो है वो कंपटीशन जो है ड्रा योर फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो तीनों बताऊंगा कि बच्चों को कैसे फिल करना है। 13 से 18 एज ग्रुप जो है वो एक ग्रुप कैटेगरी में आता है और 18 से है वो दूसरी में। इसमें करना क्या है, कैसे इस फॉर्म को भरना है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर बच्चे तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, हर बच्चे तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके और बच्चा इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या फॉर्म फिल होगा, उसमें क्या डिटेल है, जो भी इन तीन कंपटीशन के लिंक्स है, जिस किसी को भी ये लिंक चाहिए वो लिंक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिलेंगे। तो बहरहाल शुरू करते हैं इसको, आज का वीडियो इसे एंड तक देखिए ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। यह टीचर साहिबान और बच्चों के लिए, टीचर साहिबान के लिए इसलिए है ताकि वो बच्चों को प्रेरित करें, बच्चों को बूस्ट करें कि कैसे फिल करना है। और इसके लिए बच्चे के पास सबसे पहले अपना आधार कार्ड और वो वीडियो या वो फ़ोटो होना चाहिए जिसमें वो कम्पीट कर रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तीन प्रकार के लिंक्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले नेशनल एंथम लिंक पे क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार से नेशनल एंथम लिंक पे जब बच्चे या टीचर साहिबान बच्चों के बिहाफ पे भरेंगे, मतलब बच्चे का आधार साथ में रखते हुए, देखिए इस प्रकार से है, इंडिपेंडेंस डे 2024 नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन। सबसे पहले बच्चे को अपना नाम भरना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो भी मोबाइल यूज़ करता है, ईमेल एड्रेस, बच्चे के पास जो भी ईमेल एड्रेस है, उसके पेरेंट्स के पास जो ईमेल एड्रेस है, जो एंड्रॉयड फ़ोन में जीमेल है, को रेडिट मेल है, कोई भी मेल है, तो वो मेल इधर भरनी है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ के लिए बच्चों को मोस्टली दिक्कत आती है जब बच्चे इस पर क्लिक करेंगे। मैं बच्चों के लिए बता दूं, बच्चों डेट पे जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वही डेट आएगी। देखिए जो सिलेक्टेड पोर्शन है, जैसे 28 है तो 28 आएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद अपना एड्रेस भरना है कि J&K के किस एरिए का है, किस डिस्ट्रिक्ट, किस तहसील का है, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया और है कि ही आर शी शुड बी डोमिसाइल ऑफ J&K स्टेट। उसके बाद बच्चे ने अपनी डिस्ट्रिक्ट भरनी है, बच्चा अनंतनाग से है, डोडा से है, किश्तवाड़ से है, जम्मू से है, जहाँ से भी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद बच्चे की कैटेगरी कौन सी है, ये ध्यान से देखने वाली बात है। पहले इंडिविजुअल, मतलब बच्चा, जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप की जो बात करेंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप जो है नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन में होगा, उसमें यदि इंडिविजुअल जो है वो 13 से 18 साल के बीच में होना चाहिए या 18 एबो वाली कैटेगरी भी है। जैसे मान लो हम 13 से 18 वाला चूज़ करते हैं, तो 13 से 18 वाले में हमें क्या अपलोड करना, देखिए सबसे पहले आधार मांगा हुआ है, आधार अपलोड करना है। और यदि आपको आधार जो है वो मतलब अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस ए डॉक्यूमेंट। तो अपलोड नेशनल एंथम, अब नेशनल एंथम जो आपने किया है, वैसे तो 52 सेकंड में नेशनल एंथम होता है लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट बढ़ा दी है, 1 मिनट और 10 सेकंड का आपका और 70 सेकंड्स का होना चाहिए वीडियो, मैक्सिमम लेंथ जो वीडियो की है। इसको इंडिविजुअली भी सिंग किया जा सकता है और ग्रुप वाइज भी सिंग, और लास्ट में इसको सबमिट करना है। तो इस प्रकार से जो है बच्चा नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा रहेगा, दूसरा लिंक जो होगा, दूसरा लिंक है एस्से राइटिंग कंपटीशन का। देखिए बहरहाल इस प्रकार से ओपन करना, आपने जस्ट क्लिक करना है, तो क्लिक करके आपके पास सेम इन्फॉर्मेशन वही भरनी है आपने, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और अपलोड आधार कार्ड तीनों कैटेगरीज में, चाहे एस्से है, चाहे ड्रा योर फेवरेट फ्रीडम फाइटर है या नेशनल एंथम है, तीनों में आधार कार्ड अपलोड करना है, और आधार कार्ड का साइज 1 MB। उसके बाद इसमें जो चीज़ है एस्से राइटिंग कंपटीशन में क्या है, अपलोड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड ओनली PDF।
अब जिन स्कूल्स ने आई कार्ड इशू किया हुआ है तो वो आई कार्ड अपलोड करेंगे, जिन इंस्टीट्यूट्स ने आई कार्ड इशू नहीं कर पाए हैं या बच्चों के पास अभी नहीं है, खासकर विंटर जोन के जो बच्चे हैं जिनकी लेट एडमिशन्स हुई हैं, तो वो बच्चे एक सर्टिफिकेट स्कूल से अपलोड कर सकते हैं जिसमें सर्टिफाई किया जाएगा कि सच एंड सच बच्चा जो है वो 2024 एकेडमिक सेशन के तहत अंडर रोल नंबर फलाना क्लास फलाना में एडमिट हुआ है, तो वो भी चलेगा। उसके बाद आपका जो एसे जो आपने लिखा है, तो बच्चों कॉपी पेस्ट नहीं करना है इसको, आपने जो एसे लिखना है वो हैंड रिटन नहीं चलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है सबमिटेड एसे शुड बी रिटन ऑन द टाइटल, उसका एक टाइटल होगा और वो टाइप्ड होगा, नॉट हैंड रिटन होगा। तो बहरहाल आप व्हाट्सएप पे तो अपना लिखते ही हो बच्चों, आपने जस्ट व्हाट्सएप पे जो भी लिखा होगा उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे भी अपना टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं आपको इतनी मदद कर सकता हूँ कि पीडीएफ बना के उसको दे सकता हूँ, या आप किसी से भी वो पीडीएफ अपने टीचर साहिबान की इधर मदद ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर बच्चे के साथ, हर टीचर साहिबान के साथ, कि वो बच्चे का जो भी हैंड रिटन मटीरियल है उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट बना के अपलोड करने में बच्चे की मदद करें। तो लास्ट में सबमिट करना है। तो मैं एक बार फिर से इस पे स्ट्रेस दूंगा कि जो एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग में आधार अपलोड करना है और इंस्टीट्यूट का, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसका जो है एक आइडेंटिटी कार्ड या एक सर्टिफिकेशन कि आप वहाँ पे एनरोल्ड हो, और लास्ट में सबमिट करना है। तीसरा कंपटीशन जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, ड्रा योर फेवरेट फ्रीडम फाइटर एंड ऑनर देयर लेगेसी। तो हमारे देश में आज़ादी के लिए बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपना योगदान दिया है, अपनी जान निशावर की है हम लोगों की सेफ्टी के लिए। तो बच्चा उसको ड्रा करेगा और ड्रा के बाद अपनी डिटेल भरेगा, आधार अपलोड के बाद बच्चा सीधा उस ड्राइंग को, जो भी उसने ड्राइंग बनाई है उसको हाई रेजोल्यूशन में उसका फोटोग्राफ लेके उसका अपलोड करना है और लास्ट में सबमिट करना है। मैं बच्चों की जानकारी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बच्चों जो भी इस कंपटीशन में भाग लेगा, जैसे नेशनल सिंगिंग कंपटीशन में एंथम की, तो इंडिविजुअल या ग्रुप कैटेगरी, और इसके लिए जो बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इसमें तीन प्रकार के प्राइजेज रखे गए हैं। यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है हमारी यूटी गवर्नमेंट ने लिया है, लास्ट ईयर भी लिया था, उससे पहले भी लिया था, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और 10,000 फर्स्ट प्राइज़ है, 7,500 सेकेंड प्राइज़ है, और 5,000 जो है वो थर्ड प्राइज़ है। सो एक बार फिर से मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स से, टीचर्स से, कि वो अपने अपने बच्चों को बूस्ट करें और उनकी हेल्प करें, इस जो एक अच्छा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है इसको सक्सेस बनाने के लिए अपने आप की पहल करें। बहरहाल अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है किसी को भी, किसी टीचर साहिबान को, किसी भी इलाके का होगा यूटी गवर्नमेंट के अंडर, हमारी यूटी में कहीं भी होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कोई भी दिक्कत होगी तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मदद हो। जय हिंद, जय भारत।